और मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हो रहे हैं तुम लोगों के हालचाल? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए। तो बहरहाल आज ये इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले के दो वीडियोस में ठीक है हम लोगों ने कुछ पुरानी चीज़ें देखी थी। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं बेसिकली बात करूँगा हिमालयस की। ठीक, देखो हिमालय से संबंधित एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे को देखेंगे। तो हिमालय जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसको ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, देखिए जो हिमालय पर्वतमाला है इसको बेसिकली हमने अपनी स्टडी के लिए चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक, अब वो जो चार पार्ट्स हैं उनको एक बार समझिए, फिर इसमें आगे को बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे को इंडिया का इतना जो रीजन है जहाँ पे को हिमालयाज एग्जिस्ट करते हैं उसको मैंने यहाँ पे को बना रखा है ताकि चीज़ों को समझने में थोड़ी सी क्या हो, आसानी हो। तो देखिए हिमालयाज को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, ये जो हिमालय पर्वतमाला है इसको चार हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला इसका आता है ट्रांस हिमालय। ठीक, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय यानी कि पार हिमालय भी इसको बोले जाते हैं। अब देखो ट्रांस हिमालय जो है ये हमने अपनी स्टडी को आसान करने के लिए किया है। तो ट्रांस हिमालय वाली जो सीरीज़ है वो यहाँ से शुरू होती है। देखो इस तरीके से ये जो श्रेणी बनती है ये है ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये कौन सी श्रेणी बनती है? ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर जो बनती है वो ट्रांस हिमालय बनती है। तो यहाँ पे कोई जो श्रेणी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, जैसे मैंने ऐसे दिखा दिया, ये बन गई ट्रांस हिमालय वाली श्रेणी। अब देखो कन्फ्यूज़न क्या होता है एग्ज़ाम में, जो प्रश्न आते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मान लो आप लोगों से बोल दिया कि काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम जो रेंज है ठीक है, वो कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी महान हिमालय, ऑप्शन सी लघु हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक रेंज। तो ऐसे में अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हो। अदरवाइज़ क्या होता है फिर सीरीज़ और ठीक है हिमालय पर्वतमाला के अंदर जो जो आती हैं वो सारी चीज़ें रटनी होती हैं तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है वहाँ पे को। तो सबसे ऊपर की जो सीरीज़ है, ये जो रेंज, सॉरी, सबसे ऊपर की जो रेंज है ये क्या होगी? ट्रांस हिमालय वाली रेंज होगी। ठीक है, यहाँ पे को इस तरीके से दिख रही है। अब ये जो रेंज है, अब देखो हिमालय पर्वतमाला की कुछ रेंज है जिनकी कुछ ना कुछ चौड़ाई भी है, ये कुछ इस तरीके से होता है आप लोगों का। जैसे मान लो, चलो यहीं पे को ड्रॉ कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो ट्रांस हिमालय है तो इसकी कुछ चौड़ाई होगी, ये तो लगभग लगभग 40 किलोमीटर की चौड़ाई होती है, 40 से 45, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। तो बहरहाल उसको तो हमने याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से होगी ट्रांस हिमालय, फिर इसके नीचे कुछ इस तरीके से आ जाएगा महान हिमालय, फिर कुछ इस तरीके से, ये पूरी क्या है एक रेंज है। तो उनकी क्या है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है। अब क्या होगा कि देखो जैसे 40 किलोमीटर की चौड़ाई है ना, तो इसी चौड़ाई के अंदर क्या होगा, कुछ पर्वतमालाएँ होंगी इस तरीके से। ठीक है, इनके अलग अलग नाम होंगे। तो तब क्या होता है, हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभार इनका क्रम पूछ दिया जाता है कि जैसे आप लोगों को दे दिया काराकोरम दे दिया, लद्दाख श्रेणी दे दिया, ठीक है शिवालिक श्रेणी दे दिया, ठीक है नॉर्थ से लेके साउथ में, यानी कि उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम क्या होगा ये पूछ लिया। तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो सारे प्रश्नों की प्रकृति को हम लोगों ने यहाँ पे को समझना होगा। तो सबसे पहले इसमें देखो, चलो ये तो ट्रांस हिमालय हो गया। हाँ, इससे पहले एक चीज़ में हिमालय के बारे में बता दूँ। देखो हिमालय पर्वतमाला जो है वो टोटल 7 देशों के साथ, यानी कि 7 कंट्रीज़ के साथ हिमालयाज अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। तो पहली कंट्री क्या होगी? पहली तो देख लो भारत ही है। ठीक, ये जो हिमालय पर्वतमाला है किसको टच करते हैं? भारत को टच करते हैं, पहली कंट्री हो गई भारत। उसके बाद देखो खुद ही अंदाज़ा लगाओ दूसरी कंट्री कौन होगी जिससे हिमालय पर्वतमाला टच करती है, यानी कि जिन देशों की सीमाओं से हिमालय पर्वत टच करते हैं या फिर बाउंड्री शेयर करते हैं। एक तो भारत हो गया, दूसरा यहाँ पे को नेपाल है, तो दूसरा क्या हो गया? नेपाल हो गया। ठीक है, तीसरा इधर भूटान हो गया, भूटान हो गया, चौथा ये ऊपर चीन और तिब्बत वाला हिस्सा, चीन हो गया। इधर साइड आ जाओगे तो पाकिस्तान हो गया। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान के जस्ट बगल में है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो भी हिमालय से टच करेगा, तो अफगानिस्तान हो गया।
कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बचती है सातवीं, सातवीं कंट्री यानी कि सातवां देश कौन सा, सॉरी हाँ सातवां देश कौन सा होगा जो क्या करेगा, हिमालय पर्वत के साथ बाउंड्री टच करेगा। तो देखो ऊपर के तो चलो ठीक हो गया, हम समझ गए। अब ये जो हिमालय है ना, ये हिमालय पर्वतमाला क्या है कि ऐसे घूम के नीचे की तरफ आती है। तो जब ये पर्वतमालाएं ऐसे घूम के नीचे की तरफ आती है, तो नीचे जो म्यांमार वाला हिस्सा है, म्यांमार क्या करता है, इन हिमालय पर्वतमालाओं से टच करता है। तो सातवां जो देश है वो है म्यांमार, ठीक है म्यांमार। तो इन चीज़ों को आप याद रखना कि ये जो सात देश हैं, ये सात देश हिमालय के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर टच करते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो हो सकता है प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए कि आपको कुछ देशों के नाम दे दिए जाएं और आप लोगों से पूछा जाए कि कौन कौन से देश हिमालय के साथ, ठीक है, सीमा टच करते हैं। तो ये क्या हो गए, ये सात देश हैं जो हिमालय के साथ क्या करते हैं, सीमाएं बनाते हैं या फिर टच करते हैं। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो रेंज हो गई वो कौन सी हो गई, ये ट्रांस हिमालय वाली रेंज हो गई, ठीक है। फिलहाल मैं इसको मिटाई देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो रेंज बनती है, ट्रांस हिमालय वाली रेंज बनती है। अब मैंने बताया था कि इनकी चौड़ाई है, ठीक है, तो जैसे इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। तो जब 40 किलोमीटर की जो चौड़ाई है तो इसी के अंदर कुछ श्रेणियां आती है। जैसे ये हो गया, एक पहली जो श्रेणी है वो ऐसे आएगी, यहाँ टच करेगी और इसके साथ होते हुए यहाँ तक आती है। तो इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले हिस्से में ये जो श्रेणी है इसको बोलते हैं हिंदू कुश, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हिंदू कुश बोलते हैं। और यहाँ इसको बोलते हैं काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, काराकोरम बोला जाता है। तो ये जो हिंदू कुश है, ये जो काराकोरम है, ये दरअसल किसका हिस्सा है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये देखो इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से यहाँ टच करते हुए यहाँ तक आएगा। तो ये क्या है, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। और ये क्या हो गया, यहाँ पे को क्या हो गया, हिंदू कुश। एक ही श्रेणी है वो, बस उसका नाम अलग अलग जगह में अलग अलग है, ठीक है, ये हिंदू कुश हो गया। तो देखो ये जो ट्रांस हिमालय है, ठीक, ट्रांस हिमालय की खास बात क्या है कि ट्रांस हिमालय की चौड़ाई मैंने आप लोगों को बता दी है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। अब देखो ये जो ट्रांस हिमालय बने, इसमें जो अवसाद पाए जाते हैं यानी कि इसमें जो फॉसिल पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये फॉसिल दरअसल क्या हैं, समुद्री जीव जंतुओं के हैं। तो इसका मतलब ये जो ट्रांस हिमालय बना है कहीं ना कहीं टैथिस सागर से बना था, इसी वजह से इसमें क्या होते हैं, फॉसिल पाए जाते हैं। अब UPSC जो प्रश्न उठाएगा वो इस तरीके से उठाता है कि जैसे मान लो उसने स्टेटमेंट दे दिया आपको, कथन दे दिया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और एक स्टेटमेंट दे दिया कि ट्रांस हिमालय जो हैं उसमें, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स नहीं पाए जाते, और ऐसे ही कोई दूसरा स्टेटमेंट दे दिया और बोला कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा, और ऑप्शन वही होंगे, केवल एक दो तीन, इस तरीके से। तो इसमें ध्यान रखना कि ट्रांस हिमालय में, ठीक है, ये फॉसिल्स पाए जाते हैं, और किसके पाए जाते हैं, समुद्री जीव जंतुओं के पाए जाते हैं, ठीक, फॉसिल यानी कि जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं, और किसके पाए जाते हैं, समुद्री जीव जंतुओं के पाए जाते हैं। अब ये जो ट्रांस हिमालय है ये ग्रेनाइट की परतों से बना है, ठीक, किसकी परतों से बना है, ग्रेनाइट की परतों से, इसमें किसकी परतें, ग्रेनाइट की परतें हैं, इस चीज़ को भी याद रखना। और इसी ट्रांस हिमालय में जो चोटी है K2 पर्वत शिखर, ये आप लोगों ने नाम सुना होगा, K2 पर्वत शिखर, यानी कि इसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत जो है वो भी कहाँ पे को है, ये कौन सी रेंज में आता है, ट्रांस हिमालय वाली रेंज में आता है। अब जैसे एग्ज़ाम में आप लोगों से सीधा सा प्रश्न पूछ लिया कि माउंटेन एवरेस्ट कौन सी रेंज में आता है, ऑप्शन ए लघु हिमालय, ऑप्शन बी वृहद हिमालय, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक, तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना ये जो K2 है वो क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि किस में है, ये ट्रांस हिमालय में है। चलिए इसमें थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं। और ये जो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी याद रखना।
प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन, मतलब K2 करके उसको जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक, उसके बाद ये तो था आप लोगों का ट्रांस हिमालय, थोड़ा सा आपको इसमें पढ़ेंगे तो ट्रांस हिमालय के बाद आप लोगों का आता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद आएगा दीर्घ यानी कि महान हिमालय। दीर्घ यानी कि क्या? महान हिमालय। अब ये जो दीर्घ हिमालय है, अब देखो इतना हिस्सा तो किसमें आ गया, इतना हिस्सा आ गया आप लोगों का ट्रांस हिमालय। अब यहाँ से नीचे का जो हिस्सा है, मैंने बताया था कि ये जो जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, दीर्घ हिमालय हो गया, इनकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है, तो अब महान हिमालय वाला हिस्सा नीचे आएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्या होता है ना, समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे को ये हिंदू कुश को मिटा देता हूँ। हिंदू कुश को आप लोग यहाँ देख लेना, हिंदू कुश ये पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे को हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ। और यहाँ पे को इसके लिए आपने दो मैप तैयार करने होंगे, ठीक है। एक मैप में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी श्रेणी किस श्रेणी के नीचे है और कौन सी किसके अंदर आती है। तो यहाँ पे को मैं मेन श्रेणियाँ बनाऊँगा और बाकी जो छोटी श्रेणियाँ उसके अंदर आती हैं वो मैं इधर पे को बना दूँगा। तो देखो दूसरी जो श्रेणी आती है वो कुछ इस तरीके से बनती है, वो इसके नीचे से बनेगी, ये बनती है आप लोगों की क्या, ठीक है, मान लो महान हिमालय की श्रेणी बन गई। तो सबसे ऊपर हो गया ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद आ गया दीर्घ यानी कि महान हिमालय, ग्रेट हिमालयस, ठीक है। तो अब ये क्रम भी पूछा जा सकता है, जैसे ट्रांस, ग्रेट, लघु, शिवालिक, इनका जो क्रम है उत्तर से दक्षिण में, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखना। तो उसके नीचे कौन सा आ गया? दीर्घ हिमालय आ गया। अब ये जो दीर्घ हिमालय है इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो जैसे दीर्घ हिमालय की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि, अच्छा एक चीज़, हाँ, काराकोरम के जस्ट नीचे पे को यहाँ पे को एक श्रेणी आती है, इसको बोलते हैं लद्दाख श्रेणी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लद्दाख श्रेणी। अब मैं उसको वहाँ पे को नहीं बनाऊँगा, बस लद्दाख श्रेणी यहाँ पे को होती है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी। अब ये जो लद्दाख श्रेणी है ये भी किस में आएगी? ट्रांस हिमालय के ही अंदर आती है, ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में देखना। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, ये सब किसके अंदर आता है? ट्रांस के अंदर आता है। ट्रांस के बाद नीचे पे को जो है वो है दीर्घ हिमालय, ठीक। अब दीर्घ हिमालय की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देखो ये जो वृहद हिमालय, इसको वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालयस, दीर्घ हिमालय, सब एक ही चीज़ है। तो इसकी जो लगभग चौड़ाई है वो 120 से 190 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है और ऊंचाई 6100 मीटर के आसपास है। ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। और ध्यान देना कि मैंने जितनी बुकों में देखा सब में ही अलग अलग मेरे को दिखा। माजिद हुसैन में अलग दिख रहा है, ठीक है, वर्णवाल में अलग दिख रहा है, NCERT में कुछ अलग दिखता है। तो इसमें सिर्फ एवरेज लेना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो आप भी कंफ्यूज मत होना कि किसी बुक में कुछ लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना उसमें। तो लगभग लगभग 120 किलोमीटर के आसपास क्या मान सकते हो, इसकी चौड़ाई मान सकते हो। अब इसमें क्या है आप लोगों का कि जो वृद्ध हिमालय हैं, ध्यान देना, वृद्ध हिमालय की खास बात क्या है कि इसमें जो दर्रे हैं, दर्रे ना के बराबर होते हैं। दर्रे यानी कि बाईपास, जैसे नाथुला दर्रा हो गया, बोमडिला दर्रा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो दर्रे हैं बाईपास होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये इसमें ना के बराबर हैं, हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में इसमें दर्रे पाए जाते हैं, ठीक। अगला, इसमें जो वर्षा है, वर्षा बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे को बर्फ़ पड़ती है ना, जैसे लद्दाख वाला जो रीज़न हो गया ऊपर, तो अधिक ऊंचाई में स्थित है तो यहाँ पे को बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। बर्फ़ पड़ती है तो फिर जहाँ बर्फ़ पड़ेगी वहाँ वर्षा की मात्रा सबसे कम होगी। देखो एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आ गया कि इनमें से वर्षा सबसे कम कहाँ पे को होती है, और ऑप्शन ए दे दिया हिमालय, ऑप्शन बी दे दिया राजस्थान ये मरुस्थल, ऑप्शन ठीक है सी कुछ दे दिया, ऑप्शन डी कुछ दे दिया, तो ध्यान देना एकदम से दिमाग में क्लिक करता है कि मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती होगी, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे को बर्फ़ पड़ेगी ना, जहाँ पे को हमेशा बर्फ़ पड़ती है वहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो इस बात का आप लोग ध्यान देना, तो वर्षा कम होती है। अब देखो वर्षा अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा? वनस्पति भी कम होगी, मीन्स कि वहाँ पे को पेड़ पौधे कम होंगे। तो यहाँ क्या होती है? वनों की संख्या क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे को जंगल नहीं पाए जाते हैं क्योंकि पूरा क्या है, बर्फ़ से ढके रहता है, तो जंगल बहुत कम मात्रा में यहाँ पे को पाए जाते हैं, ठीक। ये था क्या? वृहद हिमालय। अब देखो ये है ट्रांस हिमालय, ये है
दीर्घ हिमालय। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि ट्रांस हिमालय को दीर्घ हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय से अलग कौन करता है। ठीक, ट्रांस हिमालय को, इन दोनों को अलग कौन करता है। तो इन दोनों को अलग करने वाली जो रेंज है इसका नाम है इंडो, इसको आप नोट कर लेना, इंडो सांगपो। ठीक है, इंडो सांगपो सचर सचर जोन। तो जो इंडो सांगपो सचर जोन है वो क्या करता है, ट्रांस हिमालय और दीर्घ हिमालय को क्या करता है, अलग करता है। ठीक, चलो उसके बाद आगे को बढ़ते हैं। अब इसमें जो तीसरा है ये हो गया, अब इसमें तीसरा आएगा, दीर्घ के बाद आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय यानी कि लेजन हिमालय। ठीक है, लेजन हिमालय। तो देखो सबसे ऊपर जो था हमारा ट्रांस हिमालय था, उसके नीचे आया हमारा क्या, दीर्घ हिमालय। अब उसके नीचे आएगा लघु हिमालय। तो ये जो लघु हिमालय बनेगा आप लोगों का, लघु हिमालय बनेगा इसके नीचे इस तरीके से बनेगा क्या, लघु हिमालय। अब देखो यहाँ पे को मैंने दिखा दिया लघु हिमालय, और इसके अंदर अगर कोई जो सीरीज आती है मैं उसको यहाँ पे को दिखाऊंगा। तो इसमें भी याद रखते जाना, सबसे ऊपर ट्रांस हो गया, सब उसके बाद ट्रांस के ही अंदर आता है काराकोरम, काराकोरम के नीचे आती है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के नीचे आती है ये लद्दाख श्रेणी हो गई। ठीक है, ये लद्दाख श्रेणी हो गई, लद्दाख श्रेणी के नीचे आती है ये जास्कर। ठीक है, लद्दाख श्रेणी के नीचे कौन सी आती है, जास्कर। अब देखो जैसे लघु हिमालय के अंदर क्या आता है, जैसे जास्कर हो गया, जास्कर के नीचे आती है, जास्कर के थोड़ा सा नीचे पे को, जास्कर के ही जस्ट नीचे पे को आती है पीर पंजाल, पीर पंजाल। तो ये हो गई जास्कर, बीच वाली हो गई जास्कर। तो ये क्रम याद रखना, सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, जास्कर के नीचे पीर पंजाल। ये एग्जाम में आप लोगों से क्रम पूछा जा सकता है कि उत्तर से दक्षिण में लगाओ, तो उत्तर से दक्षिण में क्या है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल। ठीक है, ये क्या है, इनका क्रम है। अब यहाँ पे को चलो ठीक हो गया, लघु हिमालय दिखा दिया। अब लघु हिमालय की क्या क्या खास बातें हैं, देखो इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब देखो इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ध्यान देना कि लघु हिमालय में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ट्रांस में पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं, महासागरीय अवसाद पाए जाते हैं, यानी कि जो महासागरीय, ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं, महासागर की जो वनस्पतियां होती हैं उसके पाए जाते हैं, क्योंकि टैथिस सागर से बना था, मैंने बताया था, उसके नीचे नीचे की जो चट्टाने हैं देखो उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो ये जो लघु हिमालय है इसमें क्या होता है कि जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक, अब होता क्या है कि ये जो लघु हिमालय है, लघु हिमालय के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। देखो जैसे अरुणाचल प्रदेश की जो ये पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, मिसी पहाड़ियाँ हो गई और अभोर पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, सॉरी अभोर नहीं, सॉरी ये तो शिवालिक के अंदर आता है। ठीक है, ये नहीं, ये आता है आप लोगों का पीर, हाँ इसके अंदर जो श्रेणियाँ आती हैं जैसे ये वाली श्रेणियाँ हो गई, इसमें कुछ श्रेणियाँ आती हैं, एक मिनट रुकना, हाँ सॉरी, जो वृद्ध हिमालय है यानी कि दीर्घ हिमालय है और जो लघु हिमालय है इसके बीच में कुछ श्रेणियाँ आती हैं, इसके बीच में कुछ, जैसे कश्मीर हो गया, ठीक है, कश्मीर हो गया, कश्मीर घाटी हो गई, लाहुला स्पीति घाटी हो गई, ठीक है, लाहुला स्पीति घाटी हो गई, और कुल्लू हो गई, कुल्लू घाटी हो गई, मनाली हो गया, ये सब क्या है, देखो ये ना तो कम्प्लीटली लघु में आते हैं ना तो कम्प्लीटली दीर्घ में आते हैं, ये दरअसल दीर्घ और लघु के बीच में आती हैं। ठीक है, कौन सी, लाहुला स्पीति घाटी, कुल्लू, मनाली, ये सारी चीज़ें, तो इनके नाम भी याद रखना। ठीक है, कुल्लू, मनाली, लाहुला स्पीति, कश्मीर घाटी। जैसे
मसूरी हो गया, ये भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, और कुछ नाम है जैसे नाग टिब्बा हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये सब किस में आते हैं? लघु के अंदर आते हैं। ये पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किस में आएगा? लघु के अंदर आएगा। अब ये जो है ना, ये जो नगर हैं जैसे कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, पीर पंजाल हो गया, यहाँ नगरीकरण तेज़ी से हो रहा है, अर्बनाइजेशन जो है वो तेज़ी से हो रहा है। तो अर्बनाइजेशन होने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है कि पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ठीक है, जैसे जो पेड़ पौधे उनको काटा जा रहा है। अब पेड़ पौधों के काटने से क्या हो रहा है, यहाँ अपरदन हो रहा है, यानी कि जैसे भूस्खलन वगैरह होते हैं ना, ठीक है, पहाड़ वगैरह खिसकते हैं, गिर जाते हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे जैसे हिमाचल प्रदेश वगैरह इन जगह के पहाड़ वगैरह क्या होते हैं, उत्तराखंड वगैरह में ये खिसकते रहते हैं, क्योंकि वनों का क्या हो रहा है यहाँ पे को बहुत ज़्यादा कटान हो रहा है। ये था लघु हिमालय। तो लघु हिमालय में ही देखो कुछ घास के मैदान होते हैं जिनको जैसे अल्पाइन, ठीक है, अल्पाइन चरागाह इनको बोलते हैं, अल्पाइन चरागाह। तो देखो ये जो अल्पाइन चरागाह होते हैं इनके अलग अलग जगह में अलग अलग नाम हैं। जैसे कश्मीर में इनको मर्ग बोलते हैं, ठीक है, कश्मीर में क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। और उत्तराखंड में इनको बुग्याल बोलते हैं। ये उत्तराखंड के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो अल्पाइन चरागाह हैं उनको उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? उत्तराखंड में उनको बुग्याल बोला जाता है। ठीक है, फिर लास्ट इसमें है शिवालिक। लास्ट इसमें क्या आएगा? शिवालिक, शिवालिक रेंज। अब इसके नीचे आती है क्या? शिवालिक रेंज, कुछ इस तरीके से ये हो गई शिवालिक रेंज, शिवालिक। तो अब क्रम याद रखना, सबसे ऊपर हो गया ट्रांस हिमालय, उसके नीचे हो गया दीर्घ यानी कि ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे हो गया लघु हिमालय, और उसके नीचे हो गया क्या? ट्रांस हिमालय। ठीक, अब देखो एक प्रश्न मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रांस और दीर्घ को अलग कौन करता है। ठीक, तो ट्रांस और दीर्घ कौन अलग करता है? इंडो सांगपो सचर जोन। तो वैसे ही वृद्ध हिमालय या फिर दीर्घ हिमालय दोनों एक ही है, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय, इन दोनों को कौन अलग करता है? देखो इन दोनों को अलग करता है यह है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या करता है? दीर्घ यानी कि ग्रेटर हिमालय और लेजर हिमालय को अलग करता है। उसके बाद आता है इसमें शिवालिक। तो शिवालिक मैंने दिखा दिया, ये जो श्रेणी है ये क्या बनती है? शिवालिक श्रेणी बनती है। अब देखो ये जो शिवालिक श्रेणी बनती है, अब यहाँ से जब ये नेपाल होते हुए तिब्बत होते हुए जाती है तो यहाँ पे को कैलाश पर्वत वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसकी खास बात क्या है कि जो ठीक है शिवालिक श्रेणी बनती है, देखो शिवालिक श्रेणी कहाँ से कहाँ तक फैली है? सबसे पहले तो देखो ये जम्मू से लेके, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके ये फैली है असम तक। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैली है? इधर जम्मू से लेके यहाँ कहाँ तक फैली है? असम तक ये फैली है। तो इसमें देखो जैसे देहरादून हो गया, ठीक है, दून घाटियाँ शामिल हैं इसमें, देहरादून। जैसे दून घाटी अगर प्रश्न पूछा जाएगा ना, दून घाटियाँ कौन सी रेंज में आती हैं? ट्रांस में आती हैं, लघु में आती हैं, महान में आती है या फिर शिवालिक में आती है? तो शिवालिक श्रेणी में आती हैं, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक, काठमांडू की जो घाटी है नेपाल में, जो काठमांडू घाटी है, काठमांडू घाटी ये भी किस में आती है? शिवालिक रेंज में आती है। तो इस तरीके के प्रश्न क्या होते हैं यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो बहरहाल ये जो मैप है इसको आप दिमाग में रखिएगा कि प्रश्न जो बनेगा हो सकता है इनका क्रम पूछ ले, सबसे ऊपर ट्रांस, फिर उसके नीचे महान हिमालय, उसके नीचे लघु हिमालय और उसके नीचे शिवालिक। देखो लघु हिमालय और शिवालिक में तो आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, प्रॉब्लम इसमें होती है जो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता है महान यानी कि ग्रेटर हिमालय और ट्रांस में, कि ट्रांस ऊपर होगा या ग्रेटर ऊपर होगा करके। तो ट्रांस ऊपर है, उसके नीचे ग्रेटर है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, हिमालय को कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं? मैंने 7 कंट्रीज़ के नाम बताए थे, ठीक है, इंडिया हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नीचे म्यांमार, ठीक, चीन हो गया, ये सारी कंट्रीज़ इसको टच करती हैं। फिर साथ साथ ही क्या था कि ये जो ट्रांस हिमालय है इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जो नीचे को लघु हिमालय है इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें भी आप लोग याद रख लेना। फिर ये शिवालिक के नीचे तो क्या आता है? प्लेन एरिया आना शुरू हो जाता है, जो आप लोगों का ये बनता है ना भाबर का जो प्लेन एरिया आता है, ये सारी चीज़ें इसके नीचे को आती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो सब फिर क्या होता है? नीचे से आना शुरू हो जाता है।
तो बहरहाल ठीक है, ये वाले वीडियो में इतना ही है। ज्योग्राफी के अगले वीडियो में देखते हैं मैदान वगैरह के बारे में, या फिर पूरे इंडिया की एक बार लोकेशन को एनालाइज कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।